मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मौसी आपका अगर ब्लॉग देखना है तो मैंने कहा मौसी बोलते बुआ बोलते बुआ बोलते दीदी बोलते भूल जाती हूँ पता नहीं क्या मैं इतने दिनों में देखती हूँ मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे मामा के बच्चे हैं मेरे किसके बच्चे हैं उससे कहता कि दीदी दीदी हाँ मोटर से कहता दीदी मुझे तो बता दो वही वाला दिन है हम ना आए थे सोने के लिए हमने सोचा था कि सो के फिर मॉर्निंग में जाएंगे लेकिन हमें ना नींद नहीं आ रही है यहाँ पे तो फिलहाल हमने अभी चेंज कर लिया है और सुबह के बज रहे हैं 4 तो फिलहाल हम वापस आ रहे हैं वहीं पर तो गाइस फिलहाल अभी आए थे और मुझे लगता है इस लोग खाने के लिए आए थे वापस ये वापस इसके लिए आए थे और एक ही प्लेट में सारे लगे हुए हैं इनका मतलब सुबह सुबह भूख लग गई सुबह 4 बजे उठ के खाना खाना शुरू कर दिया इन्होंने वाह और भी कोई है इधर से खाना खाने वाला इन लोगों ने पहले ही खा लिया हमारे से पहले खा लिया ओह माय गॉड वही सही है राधा का बेनिफिट हो गया रुकने का और गाइस ये भी लग गए हमारे तीसरे भाई भी लग गए हैं यहाँ तो सोने लगे हैं और उधर फेरे शुरू हो गए हैं जा नहीं रहे हो फेरे में साथ में नहीं लगा रहे तुमको बना बगैर फिलहाल फेरे मुझे लगता है स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको फेरे दिखाती हूँ फिलहाल 2 फेरे निकल चुके हैं तीसरा फेरा मेरे सामने लगा है अब ये 4th होने वाला है अरे यार स्टंट बने रहो मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मतलब अब बैठा नहीं जा रहा सुबह के 5 बजने वाले हैं और अभी तो विदाई भी होगी और उसके बाद जाना भी है घर पे अब मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन सच में यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी से हम गए थे तो सोने के लिए लेकिन हम वापस आ गए थे तो आप देखो यार कब तक और कितना टाइम लगता है अभी तो विदाई भी होनी है अभी तो रोएंगे भी सब लोग कल अभी विदाई हुई नहीं है लेकिन ये जाने वाले हैं इनका टाइम काफ़ी हो चुका है क्योंकि मॉर्निंग की ट्रेन है तो अब ये फिलहाल जा रहे थे इन्फॉर्म करते हैं बाय तो फिलहाल अभी इनको बाय बोलते हैं और बाकी अभी तो मैं आपके साथ बनी रहूँगी आपका दिमाग खराब करने के लिए हमारे पास बैठ गया हमारे मामा जी का लड़का और मैं सच बताऊँ ना ये मतलब इतना मेहनती बच्चा मतलब जब से मैं आई हूँ ना इसको मैं हमेशा काम करते हुए देख रही हूँ और ये अब जाके बैठा है फ्री तो मैंने सोचा कि इसको आपसे इंट्रोडक्शन करा दें बेचारा बहुत देर से बोल भी रहा था कि मुझे ब्लॉग में ले रहा है लेकिन क्या करूँ सारे दिन ये काम ही इतने सारे करते रहते हैं मतलब हम जब खाना वाना खा रहे थे ना इसने सबको मतलब खाना इसने परोस लिया अपने लिए लेकिन पहले सबको खिलाया उसके खिलाने के बाद ये लास्ट में जाके इसने खाया मतलब इतना मेहनती बच्चा सच में यार ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होती है सब कम है इसके लिए और क्या बोलूँ तो बाकी ना भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मौसी आपका अगर ब्लॉग देखना है तो मैंने कहा मौसी बोलते बुआ बोलते बुआ बोलते दीदी बोलते भूल जाती हूँ पता नहीं क्या मैं इतने दिनों में देखती हूँ मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे मामा के बच्चे हैं मेरे किसके बच्चे हैं भूल जाती हूँ तो बुला बहुत देर से कह रहा था कि दीदी दीदी हाँ दीदी तो बहुत देर से कह रहा था कि दीदी मुझे भी बता दो आपके ब्लॉग्स कैसे देखे जाएंगे तो फिलहाल मैंने इसको बता दी अरे अरे कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जो है ना ब्लॉग के टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं मतलब ये बनाने ही नहीं देते हैं ये देखो वो अलग से लगा हुआ है मेरा ब्लॉग बनाने में मतलब वो दिखा रहा है जनसंख्या को कि देखो दीदी हमारा ब्लॉग बना रही है बहुत ही अनलिमिटेड बच्चे हैं
तो कई फिलहाल मम्मी का मैसेज आ गया जाने के लिए, और मैसेज हो दोनों मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, पूछो मत। बाय गाइस। तो आ रही नहीं आ रही गाइस? फिलहाल मम्मी बुला रही है, जा रही हूँ मैं दिखाने जा रही हूँ। चिंता मत करो, मिलना आऊंगा पास में ही मेरे, ठीक है? मेरे तो मोहल्ले में ही, अब तो मैं भी आया हूँ। चलो बाय जी। बाय। नमस्ते 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 नमस्ते। तो गाइस फाइनली विदाई तो हो चुकी है, गाड़ी जा चुकी है पीछे और हम सब जा रहे हैं वापस घर। अच्छा खासा प्रोग्राम निमट चुका है, अब घर जाकर आराम करा जाएगा, बहुत बुरा पैर में दर्द हो रहा है।